एशिया कप में शिकस्त के बाद शोएब मलिक की तंजिया ट्वीट पर हेड कोच सकलेन मुश्ताक का भी रद्द अमल सामने आ गया है। दोस्तों क्या है पूरा रिपोर्ट, आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएगा ताकि आने वाली क्रिकेट के हवाले से लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। राज क्रिकेट न्यूज के साथ मैं हूँ राजू लगारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच सकलेन मुश्ताक ने ऑलराउंडर शोएब मलिक की तंजिया ट्वीट पर रद्दअमल सामने दिया है। दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सकलेन मुश्ताक से शोएब मलिक के तंजिया ट्वीट पर हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं इस पर क्या रद्दअमल दूं, आपकी यारी दोस्ती हर किसी के साथ होनी चाहिए या तो फिर दुश्मनी। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा ये मानना है कि हम इस सरजमीन पर रहते हैं, यहाँ पर हर किसी के साथ दोस्ती यारी होनी चाहिए, ना तो फिर एक या दो चार से। सकलेन मुश्ताक ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि किस किस्म का ट्वीट है और इसका मैं क्या जवाब दूं। याद रहे कि शोएब मलिक ने पाकिस्तान की एशिया कप में शिकस्त के बाद अपने ट्वीट में कहा था कि हम दोस्ती निभा रहे हैं टीम के अंदर, अल्लाह हमेशा ईमानदार लोगों का ही साथ देता है। दोस्तों आप क्या चाहते हैं, शोएब मलिक का यह रद्द अमल सही था या तो फिर गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसी के साथ ही चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।